नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। आज से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, आप लोगों ने देखा भी था, मेरे ऊपर दबाव भी आया था कि इस वीडियो को डिलीट किया जाए। वीडियो कौन सा था कि सीकर में, दुबई में बैठ के लोग सीकर में धमकी दे रहे थे। आप सब ने लोगों ने देखा होगा, टिकटॉक का मैटर था, वीडियो बना के धमकी देना, बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ था, आप सबको पता है। जी हाँ, इस मैटर में शारजा पुलिस ने बंदे को गिरफ्तार कर लिया, सीकर में भी बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल से हम बात करेंगे क्या मैटर था, किससे कैसे क्या प्रोसेस हुआ, किन चीज़ों की आपको भी भाई सावधानी रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बता दूं, आज से 2-3 महीने पहले का कोई मैटर था, सीकर का कोई NRI परिवार रहता है दुबई में। जी हाँ, कोई 2 महिलाएं थी जो टिकटॉक पे वीडियो बनाती। तो ये जो बंदे थे टिकटॉक की, जिनको बोलते हैं ना, इंडिया में तो टिकटॉक बैन हो गया, आप सबको पता है, और बाकी अलग देशों में जैसे दुबई में टिकटॉक चल रहा है। देखिए, यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो डायलॉग बनाते हैं फिल्मों में, ये वो जो डायलॉग बनाते हैं, जो डायलॉग बोलते हैं, वो रियल लाइफ में बिल्ली से डरते हैं, और हम उन डायलॉगों को अपने तरीके से बोलकर पता नहीं किस तरह से हीरो बन जाते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन नतीजा उनका गलत होता है। ये जो इस्लाम खान हैं सीकर के, जी हाँ, फतेहपुर तहसील के बताए गए हैं ये, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, इसका वीडियो भी मैंने देखा था। ये 4 बंदों को पीछे खड़े करके वीडियो बना रहा है। हम किसी मंत्री के बाप से नहीं डरते, SP से नहीं डरते। एक वीडियो बनाया था, आप सबने देखा होगा, वो लोग शारजा पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, देखिए हुआ क्या कि जो 2 महिलाएं थी वो उनको परेशान पहले से करते थे, तो कोई NRI परिवार था वो बीच में आके उनके पक्ष में बोल गया, तो वो उनको छोड़कर उनके खिलाफ में बोलने लगे। टिकटॉक पे वीडियो बना के कैसे नंबर मिले हमें नहीं पता, लेकिन वो उनको फिर गाली देना, धमकी देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वीडियो बना के डालना उनके खिलाफ में, हम तेरे बच्चों का अपहरण कर लेंगे, हम ये कर देंगे, बहुत सारी बातें हुई थी। आज की लेटेस्ट न्यूज है ये। जी हाँ, 22 सितंबर की न्यूज बता रहा हूँ, ये आज की डेट की न्यूज बता रहा हूँ। हालांकि घरवालों ने यहाँ पे उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया था, सीकर में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, और दुबई वाले का भी मैंने पहले ही बता दिया था कि 100% जिस दिन मुकदमा उसके खिलाफ हो गया तो ब्लैकलिस्ट होकर इंडिया आना है और यहीं फिर धक्के खाते फिरना है। ये बातें पहले मेंशन कर दी थी मैंने, और वो आज हुआ है। आज मेरे पास जो न्यूज़ आई है, यहाँ पे दुबई में जो इस्लाम खान जो वीडियो बना के गाली वगैरह दे रहा था, उसको शारजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, शारजा की जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है, उनके माध्यम से वारंट जारी किया है। CID ने उसकी लोकेशन निकाली और दुबई पुलिस के संयुक्त अभियान से उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसको मकान से गिरफ्तार कर लिया गया शारजा पुलिस के द्वारा। जी हाँ, उसका पासपोर्ट जब्त करके उसको जमानत पे छोड़ दिया गया। अब वो केस चलेगा 100%, वो बंदा केस में जब भी उसका फैसला आएगा ब्लैकलिस्ट होना है, कभी भी हो जाए और दोबारा वो आ सकता है, क्योंकि दुबई में धमकी देना क्रिमिनल अपराध है, सबको पता है। सोशल मीडिया पे दिए तो भाई सबूत तो सामने ही है, झूठ बोलने की वो तो कहानी खत्म हो गई, सबूतों के आधार पे तो सब कुछ होता है ना। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, सोशल मीडिया पे किसी को व्हाट्सएप पे तूने गाली लिख दी आपने, तो आप फिर ऐसा नहीं बोल सकते मेरी गलती हो गई, मैंने नहीं लिखा, पता नहीं कहाँ से आ गया, तेरे व्हाट्सएप से अगले के व्हाट्सएप पे गया है, गुनाहगार तू है, तेरे खिलाफ में मुकदमा दर्ज होगा, ये फाइनल है। और इनके खिलाफ में हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, पासपोर्ट जब्त करके उनको जमानत पे छोड़ दिया। इधर सीकर में उनके ऊपर जो एक बंदा था लोकेश नाम का, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसको न्यायालय में पेश करके बंद करके छोड़ दिया कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, और सेम दुबई का प्रोसेस ही है। यानी दोनों बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लोग, जो दुबई वाला बोलता था इस्लाम की हम SP से मंत्री से नहीं डरते, आज भी वो वीडियो पड़े होंगे, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, आपको मिल जाएंगे। जो लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो जेल की हवा खा चुके हैं, पासपोर्ट पुलिस ने जब्त कर लिया, और वो जैसे ही वो केस का निपटारा होगा उनको इंडिया आना पड़ेगा, ये फाइनल है, ब्लैकलिस्ट होके। जी हाँ, और उनकी क्या वैल्यू रहेगी, क्या है, तो भाई क्या है, ये समझ में आ रही है आपको बातें। इन चीज़ों से बचने की आपको क्या सीख मिलती है, ये हमेशा ध्यान रखें कि आप है ना, हीरो मत बने। बहकाव में आके स्टेटस गाना चल रहा है, पीछे आगे आप अपना स्टेटस लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं किसी को। उस इस्लाम का मैंने वीडियो देखा था, मुझे हंसी आई उसके ऊपर, 4 बंदे खड़े हैं, अंधे पे हाथ डाल रखे हैं, मेरे भाइयों का साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, वो भाई नहीं गए फिर उस पुलिस से, है ना, ये गलत है ना ये। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया में या किसी भी तरीके से किसी को गलत बोलने से पहले सोच लें
कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अपन बहाव में आके डॉन बन के वो गालियां वगैरह तो दे देते हैं और फिर पुलिस के पट्टे पड़ते हैं ना, तब कोई छुड़ाने नहीं आता, फिर घरवाले आते हैं बेचारे, वो जमानत करवाते हैं, फिर वो कोर्टों के चक्कर काटते रहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। इतनी औकात है, चाहे जीरो हो चाहे हीरो हो, कानून सबके ऊपर लागू होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। ठीक है, इंडिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वहाँ छोटी कंट्री है तो वो थोड़ा सा जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें है ना, भाव में आकर किसी को सोशल मीडिया पे गाली देना, दूसरे के खिलाफ में बोलना, यार क्या जरूरत थी। ये जो इस्लाम खान, ये लोकेश कौन है भाई, मुझे तो नहीं पता। ये लोग टिकटॉक पे दूसरी औरतों को गाली दे रहे थे, ये जो बेचारे बीच में आ गए तो इनको गाली देने लग गए, जबकि जरूरत कहाँ थी भाई। टिकटॉक पे पूरी दुनिया वीडियो बनाती है, आप भी अपने वीडियो बना रहे थे, ठीक है, दूसरे के पछड़े में टांग अड़ाने की जरूरत कहाँ पड़ गई। जरूरत पड़ी, धमकी थी, डॉन बने, एसपी की आपको, एसपी आपके सामने कुछ नहीं है, मंत्री नहीं है, वहाँ आपको जेल की हवा खानी पड़ गई दुबई में, तो है ना ये गलत बात। तो इन चीज़ों की सावधानी रखें, सतर्क रहें, ताकि ये दोबारा, मुझे लगता है, उम्मीद है कि जिनके ऊपर एफआईआर हो गई, जिनको कोर्ट में जाना पड़ा, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे। और जो आप भाई, आप भी अगर हैं तो आपके भी अगर ऐसी मन में चूल है तो आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, वरना यही अंजाम आपका होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।